फाइनली गाइस, फाइनली वी हैव अवर लैम्बोर्गिनी हियर। खुशी को दिन, खुशी को दिन। ब्रो सेना, बी रेडी फॉर मीटअप। या या जो नेपाली हो, इतने सारे लोग मिल रहे, पूछे बाबू भैया लैम्बो 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 ना हे राम लाइट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड गाइस एंड टू द एपिसोड 1 ऑफ बॉम्बे सीरीज। हम लोग फाइनली जा रहे हैं ऐसे बॉम्बे अपनी लैम्बोर्गिनी को देखने के लिए और लेने के लिए। गाइस मैं आपको ये पूरा प्लान बता देता हूँ, ये लैम्बोर्गिनी का प्लान इतना अमेजिंग क्यों बना, इतना रैंडम क्यों बना अभी, बिकॉज आपको पता है 22 को राम मंदिर का इनॉग्रेशन है गाइज, एंड उस दिन हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं एंड वहाँ पर हम लोग अपनी लैम्बो लेकर के आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, हम लोग पूरा कॉन्वॉय लेकर के अयोध्या जी आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है गाइज, एंड मीटअप भी प्लान्ड है। सो जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं ना गाइज, अयोध्या मिलेंगे 22 को। नॉट ओनली दिस, मैं आपको पूरा प्लान बताता हूँ कि क्या है। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पहले दिल्ली, दिल्ली से हमारी फ्लाइट हो चुकी है, दिल्ली जा रहे हैं मैं, हर्ष और भव्या। प्रणव भैया नहीं जा रहे क्योंकि प्रणव भैया की तबीयत खराब है, प्लस इनकी शादी शुदी के भी काम देखने। मालिक शादी कब की है लोगों को ये बता दो। और एड्रेस भी बता दो, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे बता देंगे, सब पहुंच जाएंगे भैया। है इसी महीने, मगर पता चल ही जाएगा इसी महीने गाइस। प्रणव भैया की शादी भी है, चलो कोई तो सेटल हो रहा है। प्रणव भैया की शादी हो गई, बस भव्या की शादी करानी बची है। भव्या तुम्हारी, ओ शिट, उसके लिए तो लड़का भी चाहिए होता ना, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है ना शादी के लिए। बट द थिंग इज, हम लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं दिल्ली गाइस, 11 की रात की फ्लाइट है। सतीश जी और हाईलेक्स लेकर के बॉम्बे पहुंच रहे सीधा, बिकॉज आते टाइम ना सिक्योरिटी बहुत नेसेसरी है, एंड फिर हम लोग लैम्बो ऐसे लेकर के भी नहीं आ सकते। सो अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग दिल्ली के लिए। ओके मालिक, सिया, मिलते हैं आपसे, ठीक है? ओके, गुड नाइट, ठीक है। अब तो आपकी प्रणव भैया शादी वाली गाड़ी आ रही है जिसमें हम भाभी को लेकर के आएंगे। भाभी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो आप एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि हम आपको लैम्बो में, इस घर में जब आप आओगे ना तो हम आपको लैम्बो में लेकर के आएंगे। सोचो भाई, हाँ भैया की हो ना लैम्बो में, हाँ डन डन भैया, भाभी को हम घर तक में लैम्बो तक लेकर के आएंगे। सोचो क्या अमेजिंग, बाइकों का कॉन्वॉय आगे, लैम्बो सुपरा तब तक आ जाए इंडिया तो बेस्ट है, बट बाइक और लैम्बो के साथ हम लोग प्लान करते हैं। चलो बाय बाय, ओके सी यू, निकलते हैं गाइस फटफट। ओके गाइस, घर से निकल चुके हैं, इतने दिन बाद अब देहरादून में धूप देख रहे होंगे। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना और इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है, धूप निकल ही नहीं रही है। वो तो बाय द टाइम आज हमारी खुशकिस्मती है कि धूप निकल गई। सतीश जी रेडी हो आप बॉम्बे जाने के लिए? सतीश जी और बाकी दोनों भाई ना हाईलेक्स से पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम लोग लैम्बो खरीद लेंगे तब तक। कितने दिन लग जाएंगे सतीश जी आपको पहुंचने में? कल शाम तक पहुंच जाओगे? सतीश जी ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे आज, देखना आप, एक बार से पहले पहुंच गए। ये हम लोगों को ना लैम्बो लेने में एक्चुअली 2-3 दिन तो लगेंगे, मंडे आई गेस हम लोग डिलीवरी फिक्स कर रहे हैं, बाय द टाइम ये लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे, सामान लोड करते हैं गाइस, निकलते हैं फिर दिल्ली के लिए। फ्लाइट ना छूटे बिकॉज शाम के टाइम फॉग भी बहुत ज्यादा रहेगा, लेट्स गो। मुझे पता है गाइस मेरी टीम ने मुझे कैसे अंडरग्राउंड होकर के घुसा रखा, इधर उधर पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर हूँ, आज चंडीगढ़ कल देहरादून, और कोई अपडेट नहीं दे रहे। निकले तो दिल्ली के लिए तो, लेकिन आते टाइम पूरे हर जगह पे अपडेट देते हुए आएंगे। जितने भी लोग बॉम्बे से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं गाइस, मिलते हैं इस बार। को आगे बोनट पे बिठा देंगे, ठीक है? एक चीज तो है ना, लैम्बो ले रहे हैं अब तो उसको कहाँ छुपा करके रखेंगे। हम लोगों ने हाईलेक्स से ना स्टिकर और बाकी गाड़ियों से भी स्टिकर्स निकाले थे ताकि हम लोग अंडरग्राउंड होकर के घूम सके, और छुपाने की अपनी ब्रो सेना के लिए ले रहे हैं, सबसे मिलते हुए आएंगे भाई। ब्रो सेना बी रेडी फॉर मीटअप, बॉम्बे मिलते हैं। जितने भी लोग बॉम्बे से देख रहे हैं बॉम्बे मीटअप मिलते हैं। बोलो इवेंट। ओके गाइस, हम लोग निकल तो गए थे, बट व्हाट हैपेंड, हम लोग ना चेक बुक देना भूल गए प्रणव भैया को, चेक साइन करके देना था प्रणव भैया को, वो हम लोग जाते थे भूल गए थे। सो अभी प्रणव भैया को बुलाया, चेक साइन करते हैं और देते हैं प्रणव भैया को। यार 7-0 वाला चेक साइन करके हमने दे दिया है, संभाल के रखना से। मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं फ्रेम करा के रख लेता हूँ। हम लोग बॉम्बे पहुंच रहे हैं और तब तक ऐसा पता लग रहा है कि प्रणव भैया की शादी एलए हो रही है इस चेक के बाद। प्रणव भैया और उनके घर वाले पहुंचे हुए लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क। हम देख रहे हैं यार, ये एकदम से पहले तो दिल्ली हो रही थी, ठीक है, तभी तो तेरे से साइन करा रही हूं। ओके बॉयज, वी जस्ट टुक आवर फर्स्ट स्टॉप एंड अभी हम लोग रुके हैं बीकानेर पे। बहुत दिन बाद बाहर के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, भूख लग रही थी गाइज, चलते हैं बीकानेर के अंदर कुछ खाना खुना ऑर्डर करेंगे। ओके बॉयज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे बीकानेर में, एंड द थिंग इज इतने दिन बाद गोलगप्पे खा रहा हूँ। आखिरी गोलगप्पे कहाँ खाए थे पता है? बिग बॉस में। ब्रो आखिरी गोलगप्पे मैंने बिग बॉस में खाए थे। फिलहाल मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि दुष्यंत इज आल्सो कमिंग टू बॉम्बे गाइस, उसकी भी फ्लाइट करा दी है। मतलब वो एक्चुअली नहीं, और दुष्यंत ना, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा पूरा ग्रुप नहीं आ पा रहा है क्योंकि घर में भी यू नो डिलीवरी की प्रिपरेशन करनी है। सो बहुत एक्साइटमेंट है, और भाई साहब बाहर मैं आज शायद पहली बार बाहर आऊंगा,
इतने लोगों का प्यार मिल रहा है ना. पहले मेरे को लोग यूट्यूबर से जानते थे, बट आज की डेट में लोग मेरे को मिलते हैं बोलते हैं लाइक बाबू भैया आप टीवी पे आए हो, वो अच्छा लगता है. सब लोग यही बोलते हैं भैया क्या खेला आपने, भैया मजा आ गया. थैंक यू सो मच यार, बहुत प्यार मिल रहा है. Can't really tell you, but शुक्रिया प्यार के लिए. So, हम लोग जी finally guys हम लोग निकल चुके हैं बीकानेर से एंड वक्त हो चुका है ऑलमोस्ट शाम के 5:30. मेरे को बस वही टेंशन है कि फॉग थोड़ा सा कम हो जाए बिकॉज बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही है गाइज. बट मैं आपको बता देता हूँ हम लोगों की फ्लाइट कितने बजे की है. हमारी 11:30 की फ्लाइट है ना, 11:30 की फ्लाइट. 11:05 की पापा उन्हें पता है भाभी आ रही है तो 11:30 की करते हैं. 11:20 का बोर्डिंग है हम लोग का. 11:05 की फ्लाइट है और 11:20 का बोर्डिंग है. भव्य मुझे अभी समझ में आया कि तुम्हें बोर्डिंग में क्या होता है. अरे मैं दिखा रही हूँ सच्ची में बोर्डिंग टाइम बोर्डिंग में क्या होता है. क्या होता है बोर्डिंग में. देख 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 वो चुपो की देखी मोए मोए इतनी कॉन्फिडेंट बोल रही बोर्डिंग में हमारी इतने बजे की है. अब बड़ी होगी गाइस मेरी बहन. बट मैं आपको बता देता हूँ गाइस 11:20 की फ्लाइट हमारी ऑलमोस्ट अभी बच चुके हैं 6. हमें यहाँ से 2 घंटे और लगेगा गाइस दिल्ली पहुँचने के लिए. गलत बोल रही है. सॉरी सॉरी पिछले साल की फ्लाइट पड़ रही है. 2 से 3 हो गया वो गलती से. यहाँ से भी 2 घंटे और लगेंगे इस एयरपोर्ट पहुँचने के लिए. दुष्यंत आई गेस तब तक बॉम्बे पहुँच जाएगा. एयरबीएनबी होटल होटल सब बुक कराते हैं और मिलते हैं फिर आपसे. ओके बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट एंड द थिंग इज हमारी फ्लाइट है T1 से. इतना ज़्यादा फॉग हो रहा था रास्ते में बट स्टिल हम लोग जल्दी पहुंच गए. हम लोगों की फ़्लाइट 11:30 बजे की थी बट हम लोग पहुंच चुके हैं 8 बजे. फट चेक इन करते हैं. T1 पे ज़्यादा भीड़ होती नहीं है. सारा सामान हम लोग रख रहे हैं ट्रॉली पे. सतीश जी और यहाँ से बॉम्बे निकलेंगे. सतीश जी अच्छे से आना. ओके मिलते हैं. ठीक है सतीश जी बाय बाय. आराम से आना भाइयों. जय श्री राम. जय श्री राम बाली भाई. आराम से आना एकदम. ओके बॉयज वी जस्ट चेक इन. हर्ष कहाँ जा रहे तू. थाईलैंड जा रहा इतने टाइम बाद हम पूरे ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ना गाइस. अबे एयरलाइंस तो देख लो ऐसी हवा में घूम रहे हो. एयरलाइंस तो देख लो इंडिगो है. अजू नेपाली हो. नॉर्मल किस तो ना फोटो मोड पे. शुक्रिया ऑल गुड. कहाँ से हो नेपाल. सिक्किम. बढ़िया. हम लोग लास्ट ईयर आए थे घूमने के लिए सिक्किम. पता है सब देखा है. ओके बॉयज हम लोग चेक इन तो कर चुके थे बट लेट मी जस्ट टेल यू हमारी फ्लाइट दो घंटा लेट हो चुकी है. पहले 11 की फ्लाइट थी फिर अब 12:30 की फ्लाइट है और अभी भी लग रहा है कि और डिले होगी बिकॉज कंजेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है. एंड हम लोग यहाँ पर बस वेट कर रहे हैं. हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं वेट करते हुए. एंड भव्य ने एयरपोर्ट पर हर एक चीज़ जो होती है ना मेन्यू में ऊपर से नीचे तक बस ऐसे करके स्वाइप डाउन करके मंगा रही है और मंगाई और छोड़ दिया. ये देखो भव्य शक्ल तो कितने तेज है. ये देखो हर्षिया ने मंगाया. ये क्या टेस्ट करने के लिए बनाया था. आराम आराम से खाऊंगी कि बोल रही बड़े लोग होते हैं ना वो ऐसे नहीं खाते एकदम वो धीरे धीरे करके खाते हैं. और हमारे साथ नहीं बैठी हुई कि तुम्हारे साथ क्यों बैठूं मैं. हमारी से हमारे साथ बैठने में गाइस यू नो अमीर लोग ऐसे ही होते हैं ना जिनके स्वीट शॉप और पेट्रोल पंप होते हैं वो अलग बैठते हैं गाइस. हम कहां लेने जा रहे हैं अलग ही होते हैं. बहन तुम भी तो बैठोगी उस लैम्बो में. तुम नहीं बैठोगी क्या पता. पिछली बार की तरह कहां जगह दो हम दोनों को उस गाड़ी में. माइक ड्रॉप गाइस. मेरे लिए ना मेरी जिंदगी में ना मेरी बहन और मेरे भाई हो रखे गाइस. इन दोनों को मैं जितना प्यार करता हूँ ना कसम से आज उसका 10% मैं अपनी फ्यूचर में होने वाली वाइफ को भी करूंगा ना तो वो मेरी जीवन भर पूजा करेगी. क्या ऐसे नहीं हम तो बर्गर का हम घूम कर आते हैं. नो नो ये बिल्कुल अच्छा नहीं. हम आ रहे हैं पर हम मोमोज लेकर के आ रहे हैं. बैठ जाओ. घूमने जा रहे हैं गाइस. घूमने अकेला छोड़ करके भाग रहे हैं से एयरपोर्ट पे. ओके बॉयज इतने सारे लोग मिले ना. इतने सारे लोग मैं आपको बता ही रहा था कि कितने फैंस का प्यार मिल रहा है. वी हैव गॉट अभिषेक भाई फ्रॉम हैदराबाद. अभिषेक भाई लेकर के हमारे लिए ब्राउनीज. थैंक यू सो मच भाई. मैं गिफ्ट लेता नहीं हूँ भाई बट थैंक यू सो मच प्लीज. मैंने जस्ट अभी आपके लिए मेरा फ्लाइट है. मैंने बोला मेरे को थोड़ा जल्दी कर दीजिए मुझे देना है अभी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत प्यार से आपके लिए करा है। अच्छा, एटलीस्ट एक एक ले लीजिए, एक ले लीजिए सर। थैंक यू सो मच भाई, बहुत उन्होंने प्यार से आपके लिए किया। शुक्रिया भाई, थैंक यू आप। थैंक यू सर, टेक केयर। ठीक है भाई, चलो ध्यान रखो और बाय बाय। सुन, लैम्बोर्गिनी भाई कल ले रहे हैं बस। ठीक है, अब जा रहे हैं हम। ये कह रहा यानी तो बिग बॉस में से ये बिग बॉस देखता है ना। बहुत फैन हूँ भाई। शुक्रिया भाई, बहुत वोट दिया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया भाई, आपका बहुत बिग बॉस से सपोर्ट करा। शुक्रिया भाई, मीन्स लॉट भाई। थैंक यू सो मच। सफर बहुत बढ़िया गेम खेला रहा। थैंक यू सो मच भाई। गाइस, ऐसा कोई बंदा नहीं है हमें जो जो पहचान के ये ना बोल रहा हो बाबू भैया अपने बिग बॉस में बहुत अच्छा खेला। इतनी खुशी लग रही है ना जब लोग ये बोल रहे हैं कि बाबू भैया वी सपोर्टेड यू एंड वी वोटेड फॉर यू। वही सारे लोग खड़े थे साथ में, एंड आई रियली फील प्राउड। इतना अच्छा लग रहा है हर्ष, कितना अच्छा लग रहा है भाई यार। हर एक बंदा मिल के बोल रहा है बाबू भैया आपके लिए इज्जत है भाई। दिस इज़ व्हाट आई वांट यार। इतना खुशी लग रहा है। खुशी को दिन, खुशी को दिन। गाइस फाइनली इट्स 12:45 एंड हम लोग प्लेन बोर्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है यार, आधा दिन ख़राब हो चुका है। हम सोए भी नहीं है, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था ना। बट स्टिल पहुँच रहे हैं अपनी लैम्बोर्गिनी लेने के लिए बॉम्बे। इतने सारे लोग मिल रहे हैं, पूछे बाबू भैया लैम्बो लैम्बो लैम्बो। इतनी खुशी मिलती है ना कि लोग इतना कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है अपने कॉन्टेंट से और ब्लॉग से। आई फील रियली हैप्पी। ब्राउनी भी मिली हम लोगों को। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई फॉर दिस। सुबह के बजे ऑलमोस्ट 4 एंड वी फाइनली लैंडेड इन बॉम्बे। भाई बहुत मुश्किल दिन था आज। यू नो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जल्दी फ्लाइट उठ जाती, बट बहुत लेट लैंड करें गाइस। दुष्यंत तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से ज़्यादा वेट कर रहा है हमारा बाहर, एंड हम लोगों ने अभी होटल भी बुक नहीं करा है। यहाँ से भी आसपास एक होटल करेंगे गाइस, फिर वहाँ पर जा कर के रुकेंगे, सामान बेल्ट से कलेक्ट करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर यार। ओके भाई, सुबह के बज रहे 5, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड चेक दिस आउट, हमारे साथ कौन आया? दुष्यंत इज ऑल्सो हियर, जो 6 घंटे एयरपोर्ट में बैठ करके उसने हमारा वेट करा गाइस। फिलहाल के लिए सब कुछ होटल वोटल बुक हो चुके हैं, यहाँ से कैब भी आ चुकी है गाइस। बहुत लेट हो गए, बहुत लेट। फटफट होटल में जाएंगे, सीधा होटल में मिलेंगे आराम से लैम्बो की डिलीवरी के लिए। लेट्स गो।